बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं। आज सबसे पहले बिहार में 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया, वहीं इसके बाद बिहार में 15 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन भी निकाला गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जहानाबाद, कटिहार, सीतामढ़ी के जिला अधिकारी सहित कई विभाग के सचिव और प्रधान सचिव का भी तबादला किया है। सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग बनाया गया है। वहीं परमार रवि मनुभाई को अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव खान और भूतत्व आयुक्त का प्रभार दिया गया है। आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अगले आदेश तक प्रधान सचिव नगर विकास आवास विभाग का प्रभार दिया गया है। औरंगाबाद मगही पान के लिए भी पूरे देश में मशहूर है, लेकिन इस बार मौसम की मार से मगही पान की खेती करने वाले किसानों के सामने दिक्कतें आ रही हैं। देव प्रखंड के किताकी गांव में भारी संख्या में पान की खेती किसान करते हैं और इस बार फसल बर्बाद होने से ये परेशान है। मौसम के बदलते मिजाज के कारण पान की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 60,000 रुपया लगा। नुकसान क्या हुआ है आपका? नुकसान ठंडी से 1 रुपया का उसमें फसल नहीं हुआ। तो ठंडी से कैसे नुकसान हुआ? ठंडी गिरता तो जड़ खत्म हो जाती है। अच्छा, इसलिए नुकसान हो गया। सरकार का अनुदान भी हम लोग को नहीं मिल पाया। आखिर कौन खा जाता है? बिचौलिया खा रहा है। नाम तो हम उसमें नहीं तो बताया। आप लोग सरकार को आकृष्ट कराए ध्यान के लिए? सरकार के पास हमने इसका अथी किया है, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आवेदन वगैरह कहीं दिए? हाँ, आवेदन हम पटना सचिवालय तक दिए हैं, औरंगाबाद डीएम को भी दिए हैं, डायरेक्टर जो है औरंगाबाद डायरेक्टर को भी दिए हैं, लेकिन लगा था उसमें 60,000 रुपया। नुकसान क्या हुआ है आपका? नुकसान ठंडी से 1 रुपया का उसमें फसल नहीं हुआ। तो ठंडी से कैसे नुकसान हुआ? ठंडी गिरता तो जड़ खत्म हो जाती है, इसलिए नुकसान हो गया। सरकार का अनुदान भी हम लोग को नहीं मिल पाया। आखिर कौन खा जाता है? मुंगेर में उद्यान विभाग की उदासीनता की वजह से मधुमक्खी पालक परेशान हो रहे हैं, तो वहीं सप्लायर और उद्यान के कुछ अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। किसानों का आरोप है कि मधुमक्खी पालकों को प्रति बक्सा 4,000 रुपए मिलता है और हर किसान को कम से कम 20 बक्सा मिलता है, लेकिन बक्से से शहद निकालने के लिए मदद नहीं मिलती है। 20 सुपर स्ट्रक्चर रहता है जिसमें हम लोग मधुमक्खी को निकाल के मधु निकालने के लिए उसको यंत्र के पास तक ले जाते हैं। उसके बाद उसमें 10 ग्लव्स रहता है, उसके बाद छुरी रहता है, दस्ताना रहता है, टोपी रहता है, यही सारा चीज़ दिया जाता है इसमें। क्या क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है सिर्फ मधुमक्खी दिया गया है और 6 फ्रेम का छाता धनी दिया गया है और स्टैंड दिया गया है, और कुछ भी नहीं दिया गया। देना कब चाहिए था? मिल कब रहा है? ये हमको देना चाहिए, ये अगर हम किसानों को नवंबर में उपलब्ध करा देते तो किसानों का अभी जो लागत लगा है उसका वो लागत निकल जाता। अच्छा, बॉक्स काफी लेट से मिला ना? हाँ। मिलना कब चाहिए था? मिलना तो था नवंबर या कलम से, ये मार्च आ गया, 5 महीना 4 महीना लेट तो है। तो क्या मद निकल पाएगा? 20 सुपर स्ट्रक्चर रहता है। सासाराम में बहुजन मुक्ति मोर्चा के बैनर तले बिहार बंद को लेकर सड़क मार्च किया गया। इस दौरान कई संगठनों के लोग जुलूस में शामिल हुए। इन लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग ईवीएम का प्रयोग बंद करे, इसकी जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव हो रहे हैं उस मतदान में लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है, जानबूझकर प्रत्याशियों को हरवाया जा रहा है। मधुबनी एसपी सुशील कुमार ने झंझारपुर के एसडीपी अशोक कुमार के साथ अररिया संग्राम थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी सुशील कुमार ने पत्रकारों की तरफ से थाने में पदस्थापित दारोगा अमन को पिस्टल लेकर नेपाली पुलिस के हत्थे चढ़ने के सवाल पर कहा कि सरकारी पिस्टल लेकर घूमना नहीं चाहिए, उसे घर में रख देना चाहिए या जमा कर देना चाहिए। फिलहाल दारोगा अमन सिंह को निलंबित कर दिया गया है। जो पिस्टल होता है ये सरकारी हथियार होता है, जब आप अपने प्राइवेट वर्क से कहीं पे जाते हैं तो उसका उपयोग नहीं करना होता है, वो अपने ऑफिस में या अपने आवास में उसको सुरक्षित रखना होता है। प्राइवेट विजिट में और ख़ास करके बिना वर्दी के
हथियार का उपयोग नहीं करना। मुंगेर नगर निगम की तरफ से आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तैयार वार्षिक बजट पर चर्चा के लिए नगर निगम बोर्ड की बैठक टाउन हॉल सभागार में हुई। महापौर कुमकुम देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपमहापौर खालिद हुसैन, नगर आयुक्त निखिल धनराज समेत सभी वार्ड पार्षद और नगर निगम के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मेयर ने कहा कि नगर निगम की तरफ से आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,35,186 रुपये अनुमानित मुनाफा वाले तैयार बजट में विभिन्न मद से 2,63,24,90,189 रुपये अनुमानित आय और 2,63,22,55,000 अनुमानित व्यय का बजट तैयार किया गया है, जिसमें नागरिक सुविधा में बढ़ोतरी करते हुए क्षतिग्रस्त पुल पुलिया और सड़क की मरम्मत तथा लाइटिंग का प्रबंध और शहर के सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण करते हुए जिम भी लगाने का प्रावधान किया गया है। दो अरब 63,24,90,189 रुपए की आय का है और व्यय है 2,63,63,22,55,003 रुपए का व्यय का बजट हुआ है। टोटल मुनाफे की बजट 2,35,186 रुपए मुनाफे की बजट पेश किया गया है। मैडम, इस बार कुछ कर भी बढ़ाए गए हैं या कुछ कर लगाए गए हैं या कुछ जनहित के लिए कुछ नया बजट लाया गया है? ये जलकर है जो हमारे इस बार हम लोग किए हैं, 2,25,00,000 रुपए जलकर से आए हैं। विज्ञापन कर 70,12,000 है।